इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड के अक्रॉस निकालो मूविंग इन अ सर्कल यूजिंग फेराडेज लॉ. तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ये रॉड किस में घूम रही है, इन अ सर्कल. तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ डी टी टाइम में रॉड आती है जब डी थीटा एंगल कवर करती है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आर्क कितनी है डी एल, और इसकी लेंथ जो है वो एल है. तो एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस. तो आर्क क्या होगा, एल इंटू डी थीटा. ये आर्क आ गया. तो फेराडे ने कहा कि इसका एरिया निकालते हैं. क्यों, इसने कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता हुआ गया डी टी टाइम में. ये एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस में लेंथ ले लो और हाइट में अप्रोक्सीमेटली क्या ले लो, डी एल की वैल्यू ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ से डी एस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू डी एल. डी एल की जगह क्या लेंगे, एल डी थीटा लेंगे, एल डी थीटा. तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू एल स्क्वायर इंटू डी थीटा. और फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, डी फाई, बी बोर्ड के अंदर, डी एस भी बोर्ड के अंदर. तो बी इंटू डी एस की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ इंटू एल स्क्वायर इंटू डी थीटा. तो ये क्या आ गया, इसमें डी फाई की वैल्यू आ गई. मैं साइड पे लिख लेता हूँ. तो मेरे पास इसमें डी फाई की वैल्यू आ गई. डी फाई की वैल्यू विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एल स्क्वायर इंटू डी थीटा. अब मेरे को पता है कि ये रोटेट करेगा विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाय डी टी. तो डी थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ओमेगा इंटू डी टी. तो यहाँ पर डी थीटा की जगह रिप्लेस कर देते हैं हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू डी टी. तो ये ओमेगा और डी टी, ये डी टी है, ये डी फाई है. तो डी फाई के नीचे डी टी ले आओ तो आंसर क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर. और यही क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ. यही किया था डेरिवेशन. आंसर कौन सा मेथड पसंद है, विद फेराडेज लॉ की विदाउट फेराडेज लॉ, जो मर्जी कर लो इसमें कोई फर्क नहीं.